खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर सुनिए न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों की ओर। तीन दिन से भंडारा जिले डूबा हुआ था और किसी को भी तीन दिन से लाइट नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं। जिस तरह भंडारा जिले का दृश्य हुआ था वो भगवान ही बचाया लोग को, और उसके प्रति आपके क्या कहना है? देखिए, ये जिस प्रकार से अभी ये बाढ़ आई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन ने ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। 36 घंटे पानी बह रहा था, फिर भी उसमें किसी को अलर्ट नहीं दिया गया, जबकि अलर्ट की पूरी व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान उसकी ओर नहीं दिया और इसके कारण लोगों के ऊपर ये यहाँ आपत्ति आई। अगर पहले लोगों को पता चलता तो काफ़ी नुकसान कम हो सकता था, लोगों का जो माल का नुकसान हो उसको बचाया जा सकता था, और अब नुकसान होने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई। सर, लेकिन बहुत लोग मरे भी हैं, बहुत लोग का जानवर नुकसान हुआ, खेत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ है। ये सारा नुकसान मैं हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार से पश्चिम महाराष्ट्र में पिछले साल बाढ़ आई थी और हमारी उस समय थी, हमने स्पेशल GR निकाल कर लोगों को कैश में मदद की, जमीन की मदद की, लोगों के फसल को मदद की, लोगों के घरों की मदद की, ऐसी मदद मिलनी चाहिए ऐसा हमारा मानना है। माता की जय।